सिंध हाई कोर्ट में आयान अली का नाम ईसीएल से निकालने के लिए केस की समाअत हुई। आयान अली का नाम ईसीएल से निकालने के लिए हाई कोर्ट ने महकमा दाखला को एक रोज की मोहलत दे दी। जानते हैं राजा साकिब से, राजा साकिब अपडेट कीजिएगा। अभी देखिए, आयान अली का नाम ईसीएल से निकालने के लिए सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था और उस पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। आज आयान अली की जानिब से लतीफ खोसा एडवोकेट पेश हुए अदालत में और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को अदालत ने तलब किया था, वो भी आज अदालत में पेश हुए और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला का ये कहना था कि फैसले पर अमल दरामद के लिए दो रोज की मोहलत दी जाए, लेकिन सिंध हाईकोर्ट के जजेस ने इस पर बरहमी का इजहार किया कि अब तक अदालती फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है। कल तक की मोहलत दी है सिंध हाईकोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को कि सिंध हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए, आयान अली का नाम ईसीएल से निकाला जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस सूरत में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालती कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। शुक्रिया राजा साकिब।